बल्कि लोग सत्ता में बैठे हुए लोग आपस में भाई को भाई से लड़ा करके सत्ता कैसे सत्ता में कैसे काबिज हो, लोग वही चाह रहे जो लोग सत्ता में बैठे, कि हम सब आपस में लड़ते रहें बटते रहें और वो लोग राज करते रहें। तो खास तौर पे मेरा मानना है कि देश का सबसे अगर कोई पवित्र किताब है तो वो संविधान का किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है। लेकिन संविधान की आड़ में आजकल लोग संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। वो लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, बल्कि वो लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं संविधान की जगह पर। लेकिन हम सब लोग एकजुट हैं और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम लोग तैयार हैं। लगातार आप लोगों की मांग रही थी, पिछले बार भी हम लोग आए थे, अभी 17 महीने मौका मिला सेवा करने का, तो हम लोगों की कोशिश थी कि जो मुद्दे की बात हो उसको हम लोग लागू करें। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, डिग्री मिल जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। और समाज में अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी है, और परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी अगर नौकरी मिलती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, सुखी रहता है, किसी बात की चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर बेटा पढ़ लिया लिख लिया या बेटी पढ़ लिए लिख ली है, नौकरी नहीं है, तो इससे लोगों को घर में चिंता रहती है कि भाई घर कैसे चलेगा, आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगी, क्या सिक्योरिटी है। इसलिए 2020 में हम लोगों का ऐलान था कि बिहार सरकार में जितने रिक्त पद हैं उसको हम लोग भरेंगे, और हमने ये प्रण लिया था कि एक मौका अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन हम लोग तो सरकार बना लिए थे 20 में, लेकिन बेमानी से 10-12 सीट इधर उधर करके हम लोग 114-15 पे आए, 122 बहुमत चाहिए था, केवल 7 सीट ही हम लोग दूर रहे बेमानी, केवल बेमानी किया गया। लेकिन फिर भी हम लोग विपक्ष में आने के लिए तैयार रहे। लेकिन जब इन दिनों जब मौका मिला 17 महीने में काम करने का उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमारा जो नौकरी का एजेंडा था उसको हमने लागू कराया। इस 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाया, और आज तक देश में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में बहाली नहीं निकली, नौकरी नहीं मिली, जहां बिहार सरकार में महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों में मिला। एक एक विभाग में 2-2 लाख से ज्यादा नौकरी, और अभी स्वास्थ्य विभाग का तो फाइल कर दिए थे 1,30,000 उसमें, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहा। फाइल किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये लोग नहीं निकाल रहा। लेकिन निकाले ना निकाले, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, ये काम नौकरी कोई नहीं रोक सकता जो हम लोग काम करके आए, ये अधिकार हम लोग लड़ करके आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। इसी मंच के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया था, तो मांग थी कि भाई विकास मित्र हो, इन लोगों का कुछ कर दीजिए, कल्याण हो जाए। अभी सिर्फ चंद्र राम जी बता रहे थे, चाहे तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, इनके जो है 25,000 जो है हम लोगों ने किया।